संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। हमारे ही नहीं, सारे जगत के चिंतन में एक धारा बह रही है और हमारे सब विद्वान संतगण भी उसी धारा में हमें उसी तरफ प्रेरित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बात कहता हूँ कि अपने परिणामों को सुधारो, भावों को बदलो। यदि परिणाम बिगड़ गए तो तुमको दुर्गति होगी, और ख़ासकर जब भी मरण काल की बात आती है तो कहते हैं मरने के पहले हम अपने परिणामों को संभाल लें। अब इस उपदेश में किसी को भी शंका नहीं होती, सब जगह से दिया जाता है और सब इसे बहुत वैराग्यमय तत्व चर्चा आध्यात्मिक उपदेश समझते हैं। मेरे विकल्प का कारण ये है कि ये कोई विचार नहीं करता है कि हम अपने परिणामों को सुधार सकते हैं कि नहीं। जब एक एक समय के परिणाम सुनिश्चित हैं तो उनमें सुधारने की बात कहाँ आती है। आप कहेंगे भाई इसमें बुराई क्या है, भाई जी इसमें बुराई क्या है, क्योंकि यही उपदेश हमें कल देना है, हमारी धारा भी वैसी ही बहनी है। लेकिन एक हम जो काम संभव नहीं है उसका हम उपदेश उस दिशा में किसी को हम प्रेरित कर रहे, और वो प्रयत्न करेगा तो उसमें सफलता तो 99% मिलनी नहीं है। 1% मैंने इसलिए छोड़ दिया कि कदाचित पुण्य का योग ऐसा हो कि हमारे वैसे ही परिणाम करने के सुधारने के भाव हों और सहज ही परिणाम वैसे होने का काल आ जाए, है ना। तो वो कहेगा जी हो गया ना, हो गया ना। तो ये निर्णय नहीं करने से अनंत बोझा अपने माथे पर खड़ा रहता है। अब मैं उस समाधि मरण के संदर्भ में इसी बात करता हूँ कि मरते समय तो परिणाम लोग सुधार ही लेना चाहिए, उस वक्त तो खराब नहीं हो जाए। और हम सब लोगों ने अभी तक, हमने खुद की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की आलोचना कर रहा हूँ कि दूसरे लोग कहते हैं, मैं अपने कहता हूँ कि देखो त्रिभाग में आयु का बंध होता है तो उस वक्त हमें परिणाम सुधरना चाहिए। हमारे आते कि नहीं आते, और त्रिभाग का हमें पता नहीं कि हमारा त्रिभाग कब है, इसलिए हमेशा ही सुधार के रखो। मैंने 24 घंटा हमने परिणाम सुधारने का बोझा अपने माथे पर रखा ना। जबकि परिणाम सुधारने का सवाल, देखो ये 7वां छंद है कि हम ये निर्णय कहें, तत्व निर्णय क्या है कि हम परिणाम सुधार सकते हैं कि नहीं, ये निर्णय करना ये तत्व निर्णय है। कौन सा तत्व का निर्णय है, आश्रम का कि बंध का कि इसका। अरे भाई तत्व निर्णय के तत्वों की ही बात आए वही नहीं है, वस्तु के स्वरूप का निर्णय उसका नाम तत्व निर्णय है। देखो ये पंक्तियाँ हैं, जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है। कभी अपना ये अपन ने निर्णय किया ना कि जो कुछ होना है उसमें कोई 10-5 बैल लगेंगे, सेना को बुलाना पड़ेगा, ऐसा 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 कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सहज भाव से होता रहता है। अभी बबलू उदाहरण ले रहे पानी बरसने का, तो बरसात में पानी बरसता है, उसमें कोई सहज भाव से ही होता है ना,
कि जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है, कुछ करना धरना शेष नहीं, उसे तुझे कुछ नहीं करना है उसमें, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी स्वामी और परमे, जो भी परिणमन तेरे ज्ञान का गेय बन रहा है, उसका भी अपन निर्णय अपन ने कर लिया है। हर एक समय ज्ञान की पर्याय का गेय नक्की है, तो किसे जानना किसे नहीं जानने का झगड़ा भी खत्म हो गया। तो वो कहते हैं तुझे करने जो कुछ होना है जिसमें भी अपने में और स्वामी, वो सब सहज भाव से होना है, होता रहेगा ऑटोमेटिक प्रक्रिया में। अपने घर के पास गमला रख लेते हैं और इसमें दो छोटे छोटे पेड़ लगा लेते हैं फूलों वूलों के, अब उन्हें संभालते हैं, पानी डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर ज़रा बड़े सेठ होते हैं तो बगीचा बना लेते हैं पूरा, बगीचे के बीच में बंगला बनाते हैं, चारों तरफ पूरा बगीचा लगा देते हैं, उसे सोचते रहते हैं। और उनको बाहर जाने का विकल्प आता है, हमने अपने घर के पास 10-20 साल तक कोई गमला नहीं रखा, अभी तो रखे हैं, क्योंकि हमें वो बाहर बाद जाना पड़ता है, तो इन्हें पानी कोई नहीं दे पाएगा तो ये सूख जाएंगे, इन्हें वो हमारे समझेगा अपने नहीं समझेगा। और अब हम यहाँ हैं तो हम इसे देखेंगे। तो वो मैं कहता हूँ कि इस जंगल में कितनी वनस्पति है और वो सहज भाव से उग रही है, बढ़ रही है, और उसकी जो भी पालन पोषण में कोई कमी नहीं है, फल फूल उसमें लग रहे हैं, बराबर हो रहा है ना, तो उन्हें कौन संभालता। मैंने इसमें वो पंक्ति डाली है ना कहीं कि एक बगीचा कौन संभाले, बगीचे को तो संभालना ही पड़ेगा अंतर्द्वंद में। हाँ डाला है, डालिए हाँ। निकाली बोल सकता है बोल। जगत की बगिया संभली रहे अतः कुछ तो करना होगा, उपेक्षा से तो पूरा वाग अरे विखरा विखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जावेगा पूरा बाग, बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। बनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी, बे स्वयं फले फूले सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करे और चौपाए पशु विचरे, सभी वन हरे भरे नित रहे मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से वन अधिक, पाल तू पशुओं से पशु अधिक, सहज ही सब रहते सानंद फूलते फलते हैं सब सहज, सहज ही सारा जग चलता नहीं कोई कुछ करता है, नहीं करने धरने का काम सहज ही सहज सहजता है। कितनी सीधी सरल बात है, इतना सारा काम एकदम सहज हो रहा है और उसमें कहीं कोई विघ्न नहीं आता है और तूने अपने माथे पे बोझा उड़ रखा है। जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है, सब सहज भाव से होने पर कुछ करना शेष न रहता है, कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है। हम तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि सहज भाव से जानते रहो, सहज भाव से जानने में भी प्रयत्न मत करो, प्रयत्न साध्य नहीं है, है ना, और इनकार भी मत करो जानने से, कि वो जानना आत्मा का स्वभाव है। सौर पर दोनों को
उस केवल ज्ञान में तो सब एक साथ जानने में आते हैं, और क्षयोपशम ज्ञान में जिसको जिस समय जिसको जानने की का क्षयोपशम होता है तब वो जानने में आता है, तो वो सब व्यवस्थित है ना। सहज देखना सहज जानना ही समाधि का गहना है, बस पहली शर्त है जी। भगवान जी समाधि के लिए पहली शर्त ये है कि हमें करना धरने का विकल्प नहीं रहे। वो कब नहीं रहेगा कि जब हम ये मानेंगे कि सब कुछ सुनिश्चित है और वो बिल्कुल सहज भाव से होता है, तेरा उसमें कुछ भी ये नहीं है। एक बात बीच में कह देता हूँ कि मुझे बार बार, मैं आप लोगों के सुनता हूँ तो कहीं कहीं थोड़ी सी गलती लगती है, इसलिए अपनी अपनी सुधार लेना। तो चार चीज़ें हैं ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो एकत्व माने है अपनापन। बहुत से लोग ममत्व को अपनापन कहते हैं, ये मैं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम है अपनापन माने एकत्व। और ये मेरा है, ऐसी मान्यता का नाम है ममत्व। और इसको बोलते हैं स्वामित्व, कि मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा है माने मैं इसका स्वामी हूँ ना। तो एकत्व और ममत्व, खासकर युगल जी साहब का जो प्रवचन है मैं सुनता हूँ रोजीना दोपहरी में, और तो उसमें वे एकत्व के अर्थ में भी ममत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुत लोगों के दिमाग में वो भ्रम हो जाता है, अथवा वो ऐसी भाषा घुस जाती है, वो एकत्व की जगह भी ममत्व करते हैं। फिर कहते हैं ये किसी को ममत्व नहीं देना, तो ऐसा लगता है कि ममत्व देने लेने की चीज़ है। ममत्व देने लेने की चीज़ है, वो तो होने की चीज़ है। मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा है, ऐसी मान्यता का नाम है, तो उसे ममत्व नहीं देना। तो एकत्व तो नहीं देना, ये देना वाली बात है, दोनों जगह नहीं आती है। मैं तो सिर्फ आपकी भाषा में ठीक रहे वो नहीं, मैं तो पहले से सब समझता हूँ और मुझे मालूम है कि युगल जी ये एकत्व के अर्थ में भी ममत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे कोई भ्रम नहीं है और ना उनकी भूल बताने का मेरा रंच मात्र भी उद्देश्य है। मैं तो सिर्फ ये है कि आपके वाणी में मैंने परमात्मा तुम्हारे प्रवचन में भी बबलू तुम्हारे प्रवचन में भी सुनता हूँ सब, तो उसमें इस टाइप की भूलें दिखाई देती हैं और विद्वानों के में भी, तो इसलिए मेरे को बीच में कहने का ये भाव आ गया। देखो यह है कि सहज कुछ करना धरना शेष नहीं, कि जब सब कुछ नक्की और सहज भाव से हो रहा है। अब ये बरसात में के दिनों में पानी बरसता है, बरसात आएगी और पानी बरसेगा। अब हमारा कोई ऐसा राग हो गया कि ये दो दिन पहले बरसना चाहिए था, लेट हो रहा है तो खेती खराब हो जाएगी, कोई भी कारण समझ लो, तो हम कहते नहीं नहीं कोशिश करो, ये करो, ये देवी देवताओं के यहाँ जाओ, पूजा भक्ति करो, मंत्र पढ़ो, ये करो, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल व्यर्थ का है, उसे कुछ होने जाना नहीं है। यहाँ पर एक गांव है राजस्थान में ही, अलोड़ा ऐसा कुछ नाम है। एक संत सागर जी महाराज थे ना हसनापुर वाले जो कहलाते थे, वे जिस गांव के थे, अलावड़ा इधर है गांव, एक अलावड़ा भरतपुर के आसपास, तो वहाँ पंचकल्याणक था। शांति सागर जी जो थे हसनापुर वाले, उनके गांव में उन शांति सागर जी के साथ हमने 25 पंचकल्याणक किए दिल्ली के एरिया में आसपास। तो हमारा उनका भर प्रेम संबंध वात्सल्य भाव आपस में हो गया था, तो उनने हमें भी बुलाया था उस गांव में, हम वो गांव में गए। भयंकर बरसात आई, ओले गिरे, तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, उनका नाम भी मैं बता दूँ, कोई राग देश की बात नहीं है, शायद अब वे नहीं हैं, उनका नाम था प्रद्युमन कुमार जी, बहुत बड़े प्रतिष्ठाचारी थे। तो बराबर ऐसा ऐसा ये मंत्र बोले, ये मंत्र बोले, ऐसे ऐसा ऐसा
हमें नाटक शब्द अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा प्रयत्न कर रहे थे और ये बता रहे थे कि मैं इसे रोक दूंगा, ये रुक जाएगा, लेकिन वो तो रुका नहीं। जब रुकना था तभी रुका, पूरा पंडाल बिखर गया। वो जो भी दुर्दशा हुई वो मैं खुद था, मैं उसमें प्रवचन कर रहा था, ख्याल में आई ना। तो वो तो मैं ही जानता हूँ, वो कोई भ्रम में नहीं थे कि मेरा ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा। वो तो जानते थे नहीं होने वाला है कुछ, फिर भी इस दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो उस टाइप का प्रयत्न करते हैं। एक सही घटना और भी बताता हूँ एक मिनट की। अशोक नगर में सिद्ध चक्र विधान हो रहा था, तो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि बरसात लेट हो रही थी। बरसात का वो किसान के हिसाब से 15 दिन पहले आना चाहिए था और पानी नहीं आ रहा था। तो जैसे आज यानी किसान लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, वहाँ करते हैं प्रार्थना, तो हम पंडित जी ने कहा कि सिद्ध चक्र विधान करो तो उससे बरसात आएगी। वो पंडित जी मेरे मित्र ही थे तो वो कराते थे, और मेरा तो उस वक्त स्कूल का टाइम होता था तो मैं तो पढ़ाने जाता था, तो मैं मंदिर में दर्शन करने तो जाता था लेकिन उस विधान में बैठता नहीं था, शामिल नहीं होता था मतलब। तो 4 दिन तक बरसात नहीं आई, तो लोग उन पंडित जी को बहुत बहुत कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तो उनने कह दिया कि ये पंडित जी साहब नहीं आ रहे ना, और वो नहीं बैठ रहे इसलिए नहीं हो रही बरसात, यदि वो आएंगे और बैठेंगे तो गारंटी से बरसात होगी। तो लोगों के दिमाग में ये जम गई। वो मेरे घर आए, 2-4 बड़े बड़े पंच मेरे घर आए और उन्होंने कहा पंडित जी आप 4-5 दिन की छुट्टी ले लो स्कूल से, आप इसकी चिंता मत करो और आप चलो। मैंने कहा मेरी छुट्टियां बाकी नहीं हैं, क्यों बाहर जब बहुत जाता हूँ तो छुट्टियां ले लेता हूँ, अब मैं यहीं हूँ तो मैं क्यों छुट्टी लूँ। बोले साहब बरसात नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होगी, पशु मर जाएंगे, उन्हें पीने को पानी नहीं है, ये हो जाएगा वो, बहुत बरसात नहीं होने की तकलीफें मुझे गिनाने लगी। तो मैंने कहा कि ये बात तो है कि नहीं होगी बरसात तो ऐसी होगी, तो आप ज़रूर चलो, ये चलो ये कहना। तो मैंने कहा मेरे जाने से क्या संबंध उसका, बरसात होना चाहिए अच्छी बात है लेकिन मुझे जाने से क्या संबंध है। बोले नहीं नहीं पंडित जी ने बताया है कि आप नहीं आ रहे हैं इसलिए नहीं हो रही है, आप आ जाओ और आपको माने हमारी गलती हो गई कि हमने आपको इस लेवल पर आमंत्रित नहीं किया है कि आप भी शामिल होते उसमें, इसलिए आप हमें माफ़ कर दो और आप आ जाओ। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये इससे कोई संबंध नहीं है, इससे कोई बरसात नहीं है, उधर बंगाल की खाड़ी से 1-1.5 महीना पहले मानसून उठते हैं और वे चलते चलते 1-1.5 महीने में यहाँ आते हैं, तो एकदम हमारे आने से बोलने से एकदम कैसे दौड़ के अचानक कहाँ से आ जाएंगे। तो बहुत आग्रह करने लग गए, तो मैंने कहा देखो अब मैं वहाँ जाऊँगा भी नहीं और यहीं बैठ के यहाँ माला फेरूँगा और इस बात के लिए कि बरसात हो ना जाए। बोले क्या कह रहे, क्या कह रहे, इतने पशु मर जाएंगे ये हो जाएगा। मैंने कहा कि ये जो वहाँ गीत मिथ्यात्व तो हो जाएगा ना पोषण, इसे बचाना है, यदि नहीं होगी बरसात तो ये गीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा। तो क्या हुआ होगा आप समझ लो, ये बिल्कुल सच्ची घटना है अशोक नगर में। ये तब की घटना है कि जब परमात्मा या तुम पैदा हो गए होगे नहीं तो नहीं हुए होगे, इतनी पुरानी बात है 60 साल से भी ज़्यादा। तो इसका कोई संबंध नहीं है। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, तभी 50-60 साल पहले, उसका नाम था गाइड, आप लोगों ने भी किसी ने देखी होगी, और उसमें देवानंद काम करता था और उसमें ऐसा ही हुआ था कि वो संत बना दिया था उसे
और ये संत के ये आवरण अनुसार करेंगे, मरेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो बरसात होगी। तो वो बेचारा तो मानता नहीं था, लोगों ने बैठा लिया। तो उसका एक डायलॉग था जो मुझे आज भी याद है, उसने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे भूखे रहने से आकाश में आने वाले ये जो बादल हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कुछ वो आज की दुनिया का वैज्ञानिकों का नया वाक्य है, उसका क्या संबंध है। माने ये तो वहाँ से आएंगे इतनी दूर से, फिर कैसे आ सकते हैं, लेकिन अब क्या करूँ, ये लोग नहीं मान रहे, मैं भूखा बैठा हूँ और मर जाऊँगा, लेकिन मेरे मरने जीने से बादलों का आने जाने का क्या संबंध है। ऐसा करके ऐसा देखो ये इतनी उल्टी बात निरंतर चलती है और लाखों लोग उस पर भरोसा करते हैं, और हमारे पंडित लोग भी चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। जैनी पंडितों की कहता हूँ, मैंने खुद देखा है सब आँखों के सामने, मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसी हिम्मत तो लाखों में एकाद कर पाता होगा। सब उसी में सब शामिल हो जाते हैं, सब शामिल रहते हैं। वो कहते हैं कुछ करना धरना शेष नहीं, तुझे तो सिर्फ जानते रहना है, बस सहज जानते रहना, और वो भी जानने की कोशिश नहीं करना है, बस सहज जानना हो रहा है तो उसे इनकार नहीं करना, सहज देखना सहज जानना ही समाधि का गहना है। ये समाधि का आभूषण है, एक और सहज जानना देखना हो, जो सहज जानना देखना हो रहा है वो समाधि का गहना है। देखो सहज समाधि शांत भाव है। अभी जो बरसात नहीं आ रही और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो ये जो भाव है ये शांत भाव है कि अशांत भाव है? सहज समाधि शांत भाव है। उस वक्त भी मैं ये अर्थ करता था परमात्म कि करते काय को ले हैं, तो मैं कहता था अपने परिणामों को शांत रखने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी काम तो कुछ रहा नहीं। जब बरसात आएगा खेतों में तब खेती वेती बोली और जो काम करना था खेती का वो हो गया, और कुछ काम नहीं है और परिणामों में आकुलता होती है, तो परिणामों में शांति बनी रहे इसके लिए ये धर्म काम करना, भगवान की पूजा भक्ति नहीं करने की बात मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इससे पानी बरसेगा ऐसा नहीं है। सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद है और निराकुल अवस्था का नाम है। समाधि में निराकुलता होना चाहिए, ये तो सबको मान्य है ना, व्याकुलता होना चाहिए है ना। व्याकुलता का लेश नहीं है, ना व्याकुल है ना आकुल है, परम निराकुल शांत भाव है, यह समाधि संजीवन है। कोई आकुलता नहीं होना, शांति एकदम। तो ये शांति आएगी कहाँ से, और ये परिवर्तन की जो दौड़ धूप हमारे अंदर में पैदा होती है वो रुकेगी कैसे, क्योंकि हम तो मानते हैं कि हम रोक सकते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं, बैठेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो ये रुक जाएगा, बरसात आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, ख्याल में है ना। लेकिन वो जैसा जगत का प्रणमन हो रहा है उसे सहज भाव से जानना और परिणामों में आकुलता नहीं होना, बिल्कुल एक निराकुल परिणाम बने रहना। ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया भूखो मरती रहे, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और हम शांत भाव से कैसे बैठे रहते हैं। वो अपने छंद है ना, ये दुनिया में ऐसा होता रहे तो हम शांत भाव से कैसे बैठे रहते हैं, ख्याल में आ गया तेरा कहाँ है। वो कहता है ऐसा आप कैसी बात करते हो, लोग मरते रहें, अनाज की कमी पड़ती रहे, ये सब करती रहे तो सब शांत, तो शांत कैसे बैठे रह सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि हाँ बोलो, उस समय शांत भाव नहीं रह सकते हैं, तो जो समाधि में होगा वो शांत रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। हाँ
इस दुनिया में नित्य निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता, दुर्घटनाएं भी जगह जगह होती रहती, रे आंधी तूफान निरंतर आया जाया करते हैं, जिसमें लाखों जीव जंतु यों ही मर जाया करते हैं, जीव जीव को खा जाते हैं, क्या क्या पाप नहीं होते, सर्दी गर्मी जीना मरना रे नित्य लगे ही हैं रहते, इनकी सबकी प्रतिक्रियाएं साधक पर ना होती हैं, बे तो इन सब बातों को भी सहज जानते रहते हैं, जो जग में होता रहता है सभी जानते हैं भगवन, पर उनके सुख सागर में तो कभी नहीं होती अड़चन। सुनो, भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये भगवान लोकालोक को सबको जानते हैं ना, तो सबको जानते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं दुर्भिक्ष, कहीं ना कहीं अकाल, कहीं ना कहीं मारकाट सब हो रहे हैं, तो वो देख देख करके तो रोज ही नहीं रोते रहते होंगे, तो उनका जो अनंत सुख है, जो उन्हें अनंत शांति है, वो भंग होती है, तो ये सब होते रहें और देखते रहें और शांति भंग नहीं हो, धर्म तो ये है, क्यों कि उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता, जो हमें सब एकदम पक्का जाने के जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सहज भाव से हो रहा है और उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है, तो फिर उसमें दुख मनाने का सुख मनाने का क्या संबंध है, सहज शांति हमारे चित्त में ये सब देख करके रहना है। देखो हम जब पढ़ते थे 12-13 वर्ष के थे तो हमारे गुरुजी, उनका नाम था पंडित मक्खनलाल जी, वो पढ़ाते थे तो वो ये बात सब ऐसी करते कहते रहते थे कि जैसे कि हाँ वो ठीक है, छोड़ छोड़ वो जो होगा होगा, अपन कैसे कोई कहे ना कि यहाँ इतने कीड़े हैं ऐसा है ज़रा समझ के कर, अभी वो तो कीड़े बरसात के टाइम पे कीड़े तो बहुत होते ही हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, ऐसा वो कहते थे, तो हमें लगता था हम कहते थे कि पंडित जी बहुत निर्दयी परिणाम के हैं, इनके परिणामों में दया नहीं है, ऐसा हमारे अंदर में हम आपस में चर्चा करते थे। अब आज समझ में आता है, वो उस वक्त उदाहरण दे के समझाते थे कि जंगल में मुनिराज हैं और जंगल में तो 24 घंटा जीव जीव को खाते रहते हैं, जीवम जीवस्य भोजनम है, चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ती है, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है, कुत्ते के पीछे भी कोई दौड़ता है, ऐसा एकदम दूसरे को मारने खाने को पीते रहते हैं, तो जंगल में जो मुनिराज ध्यान करने बैठे हैं तो जो बिल्ली यदि चूहे को खाने की कोशिश करे पकड़ के मारने की, तो महाराज के सामने ही हो तो महाराज को बचाना चाहिए कि नहीं, बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे, चूहे को बिल्ली को चूहा कुत्ता खा रहा है, तो कुछ नहीं, जो जो होता है वो होता है और जो सहज उनके ज्ञान का गेय बनता है बनता रहता है, ऐसी आँखें बंद करके भी नहीं बैठते, जैसे सहज होते रहता है और अपने बिल्कुल अपने शांत रहते, आत्मा का ध्यान करेंगे तो बिल्कुल शांत रहेंगे ना, वो भी आकुलता है ना उसके पीछे भागना करना, तो वो हमारे गुरु जी हमें उस वक्त पढ़ाते थे तो हमको वो निर्दयी लगते थे क्या। अब ये बाद में अब समझ में आता है, ये तो जगत का स्वरूप है, यदि इस तरह से दुखी होने लग जाएंगे तो कोई ध्यान नहीं कर सकता है, फिर मुनिराज जंगल में नहीं रह सकते हैं, केवली भगवान सुखी नहीं हो सकते हैं, सारे संसार के नरकों के दुख भी निरंतर वो देखते रहते हैं, है ना। ये 8वां छंद पढ़ रहे थे ना अपन, पढ़ो भाई। सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद निराकुल है, व्याकुलता का लेश नहीं ना,
व्याकुल है नाकुल है, परम निराकुल परम शांत है, यह समाधि संजीवन है। अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। ऐसा समझा भाव होना, वो समाधि मरण से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा जीवन हमारा समाधिमय जीवन है। अभी बबलू के प्रचन में आ रहा था, कभी पुण्य भाव भी सहज हो, सहज होता है हृदय का भाव जो आता है। और इस दुनिया तो सहज चलती रहे, यदि देही दया के अभाव हम करते जाएं तो निरंतर एक समय में भी हम शांत नहीं रह सकते हैं, पर हम आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इस जगत की सहजता का वो सहज दुख स्वरूप ही है ये जगत, ऐसा तो हमें सहज भाव से स्वीकार करना ही होगा। देखो ये सहजता, सहजता भंग नहीं हो ये सब देख करके, क्योंकि उसमें करना तो कुछ संभव है ही नहीं ना। तो ये दो तीन बातें हैं कि अकर्तापन, अभोक्तापन और ममत्व और एकत्व, जो चार बातें हैं ना, इन चारों के बारे में बहुत पक्का निर्णय होना चाहिए। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और ना मैं इसे भोग सकता। ये चार बातों का पक्का निर्णय हुए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता। ये चारों का नाम मिथ्यात्व तो है, एकत्व ममत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व, इसका नाम मिथ्यात्व तो है। अब इसमें भाई साहब दो भेद आपको करना पड़ेंगे, नहीं तो बहुत भ्रम खड़े होंगे। दो भेद माने क्या? एक तो अनंतानुबंधी संबंधी एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व, और फिर दूसरे ग्रुप में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संदर्भ संबंधी एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। क्या कह रहा हूँ मैं कि अंदर में श्रद्धा के लेवल पर ये बिल्कुल टूट गया, उनमें से एकत्व भी टूट गया, ममत्व भी टूट गया, ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि भी खत्म हो गई, ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि भी खत्म हो गई, मैं इनका करता हूँ ऐसी बुद्धि भी खत्म हो गई, मैं भोगता हूँ ऐसी बुद्धि भी खत्म हो गई, फिर भी अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म के उदय से उनको उनमें एकता के अपनेपन के ये मकान मेरा है ऐसा, और इसे उनके भोगता कर्तापन के और भोगतापन के विकल्प आते रहेंगे। और वो तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय जन्य और प्रत्याख्यानावरण कसाय जन्य और संतुलन कसाय जन्य भी, और ऐसा नहीं है कि जो अवृत्ति हैं, तुम सुनना भैया क्या नाम तुम्हारा, प्रवीण, मैं जो कह रहा हूँ तुम ध्यान से सुनना, और तुम्हें कोई विकल्प आए तो मुझे बताना फोन पे। ये सारे चारों का तीनों का उदय अपने अपने सम दृष्टि है, ऐसा मान लो समझना समझने के लिए, अपने अभी सबका विद्यमान है और इनके सब काम बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? मतलब जैसे कि कुंदकुंदाचार्य देव समय साल लिख रहे थे, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, आपने भी कई दफ़े सुन लिया होगा मेरा वो प्रश्न कि वो जो लिख रहे थे समय सार, तब उनकी तीव्र कसाई थी कि मंद कसाई थी? ये समय सार जैसा शास्त्र का लिखा जाना, ये तीव्र कसाई का काम है कि मंद कसाई का? और संजीव नए चक्र जब मैं लिख रहा था तब मैं तीव्र कसाई में था कि मंद कसाई में था? इसलिए मैं कोई चौथे गुणस्थान से लेकर अथवा और भी जो भी ढां से गिनना हो आपको, छठवें गुणस्थान तक सबकी परिणति की बात कह रहा हूँ। तो मैं ही बता देता हूँ कि ये तीव्र कसाय का काम है। इसका आगम प्रमाण क्या है? क्योंकि जब सातवें गुणस्थान की परिभाषा बताई गोमठ सार में, तो वहाँ लिखा है
संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी अपमत्तो। जब संजुलन और नो कसाय इनका मंद उदय होता है तब सातवां गुण स्थान होता है, और तीव्र उदय होता है जब छठवां होता है, और छठवें गुण स्थान में लिखे जाते हैं तो उसका तीव्र उदय था। नहीं नहीं लिखे और संतुलन के उदय के। अब मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ, मुझे जरा बहुत आसानी से स्वीकार नहीं होगा, इसलिए मैं जा कर के कर्णन योग वालों को ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कुंद कुंद का तो वो समय साल लिखना संजुलन कसाय के उदय में था, और मेरा नए चक्र लिखना वो कौन से नए कसाय के उदय में था। हैं मंद तो है ही नहीं, तीव्र तो है ही, लेकिन वो भी संजुलन का कार्य है, क्योंकि नहीं तो फिर संजुलन का तो कोई कार्य होगा ही नहीं। संजुलन के तीव्र कसाय के उदय में लिख रहा, और जो अप्रत्याख्याना के उदय प्रत्याख्यानावान जो हैं उनके उमे तो जो भी भोग वगैरह होते हैं वो हैं, माने उनके काम बटे हैं, ये हमें बांटना पड़ेंगे उस काम को, ये सोचना पड़ेगा हमें, सोचना और कोई आपका कोई आगम प्रमाण हो तो मुझे बताना इसके विरुद्ध, और पक्ष में हो तो वो भी बता देना, तो मुझे भविष्य में विकल्प नहीं रहेगा, मैं उसे भी साथ में पेश कर दिया करूँगा। समझिए तो ये हरेक का तो उनको हमें चक्कर क्या है कि अनंतान बंदी के का उदय का अभाव है, ये कह रहे हैं कि नहीं है उनके। अब वो जंगल में बैठा है एक मुनि और एक पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक और एक अवरत सम्य दृष्टि, अब तीनों का, अभी चौथे को अपन नहीं लेते हैं, तो तीनों को की परिणति कैसी होगी? निर्भय तो होगी, क्यों संबंध स्थिति भी सप्त भय से मुक्त है, लेकिन मुनिराज के न अनंतान संबंधी भय होगा, न अप्रत्याख्यान संबंधी भय होगा, न प्रत्याख्यान संबंधी भय होगा, सिर्फ संजुलन संबंधी भय होगा, अनुवृत्ति के दो कसाय संबंधी होगा, सम्य दृष्टि के तीन के साथ संबंधी होगा। चलेगा निर्भया ते सम्मा दृष्टि जीवो ते निर्भया तेणे, निशंका होती निर्भया तेणे, वे निर्भय होते हैं। तो हमको ये निर्णय करना पड़ेगा ना कि कौन के उदय का कौन कार्य है। अभी यहाँ से एक सम्मा दृष्टि बैठे हों और मिथ्या दृष्टि भी बैठे हों और अनुवृत्ति भी बैठे हों, और इतने में एक चूहा निकले, मैं सांप को नहीं निकाल रहा हूँ तुम कहो तो सांप को निकाल दूँ, सांप निकले तो सब घबरा के उठ के खड़े होंगे, भगेंगे, बचेंगे कि नहीं? सब बचेंगे, क्योंकि वो उनका बचना उसमें प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कसाय के उदय का कार्य है। वो मुनिराज सहज रहेंगे, ज़्यादा आकुलता नहीं करेंगे, तुम्हें ज़्यादा आकुलता होगी, है ना? उन कसायों के कार्य हैं, तो वो जो ये सिद्धांत अपन समझाते हैं, फिर लोग कहते ऐसा कैसे हो सकता, फिर तो कुछ नहीं हो गया, फिर तो कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ चक्रवर्ती का राज चल सकता है, ये एकत्व ममत्व नहीं हो, समाधि हो, ऐसी समाधि जीवन भर हो, क्या कह रहा हूँ मैं, और चक्रवर्ती का राज भी चल सकता। ऐसा समता भाव है, अब वो हमारे ख्याल में आना चाहिए, जीवन भर लग जाए, बहुत जीवन लग जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा हमें थोड़ा बहुत उपयोग यहाँ वहाँ बटाते रहें, वैसे करें, इसकी सबकी गहराई में अंदर में जा कर के आपको विचार करके समझना पड़ेगा। देखो इसलिए शुरू में ही वो लिख दिया मैंने कि ये स्वीकृति तो हमारी समाधि के, इसके बिना तो समाधि होगी नहीं। ये जो चौथा पांचवा छठवां छंद पढ़ो, इन ये तैयारी तो पहले होनी चाहिए समाधि के लिए। वो समाधि में जीवन, वो ऐसे ही बैठ जाएगा आंखें बंद करके, वो समाधि का मतलब नहीं है जी। हाँ,
सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में वह सहज भाव से होना है, उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है, अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। आकुलता ही परम दुख, यदि हमें निराकुल रहना है। करने धरने का भाव तजो सृजनवर का यह कहना है, इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है, जिसमें आधी व्याधि नहीं है और न कोई उपाधि है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शांत निराकुल जीवन की सहज सरल सुखमय परिणति ही अद्भुत परम समाधि है। अब इसमें वो जो मैंने अभी बताया चारों कथाओं के हिसाब से, इसमें अनंतानबंदी संबंधी ये सब बातें जाएंगी जो ऊपर से नीचे तक लिखी है, और अप्रत्याख्यानादि संबंधी सब रहेंगी। अभी हम इसका भेद विज्ञान हमें नहीं होगा तो हमको लगेगा ये सब छल है, ये कह रहे हैं कि हमें हम तो समाधि में हैं और हम तो ये सब करते देखते हैं, ये सब दिखाई देता है इनके जीवन में, जिन जिन बातों का ये निषेध कर रहे हैं वो सब बातें हमें करते दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये जो इतना मिथ्यात्व तो चल रहा है ना, वो इस वजह से चल रहा है, एक ही से हमें तो कोई अंतर दिखाई देता नहीं है, हमें तो कोई अंतर दिखाई देता नहीं है, है ना? जैसे भरत लड़े, जैसे बाहुबली लड़े, हमें तो अंतर दिखाई देता नहीं है। ये मैंने उसमें कई जगह लिखा ऐसा कि वो पूछता है कि उनके उससे कि साहब आप भी भरत जी घर ही में बैरागी ऐसी परिणति वाले हैं और वो दीक्षा लेके चले गए और आप अभी इधर ही बैठे हैं और राज्य कर रहे, और वो भी कितने 6 लाख 6 करोड़ हुए हैं ना, 84 लाख पूरब था ना, तो 6 लाख पूरब तक राज्य किया भरत चक्रवर्ती ने, दोनों का समादर्शन तो एक सा था ना। तो वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उनकी काललब्धि आ गई थी, उनके 5 समवाय मुनिराज होने के हो गए थे, केवल ज्ञान होने के हो गए थे, इसलिए वे हो गए। अभी मेरी काललब्धि, मेरे 5 समवाय ये घर में गृहस्थी में ही फंसे रहने के हैं। सहज भाव से जवाब देते हैं, पढ़ना इस दृष्टि से परमात्म, वो कोई मैंने वैसे ही नहीं लिख दिया, वो ये विषय स्पष्ट करने थे जो मेरे दिमाग में थे, वो उनके जीवन पर घटित करके और वो करने थे उसके लिए स्पष्ट किए। सहज सरल सुखमय परिणति, एकदम तो सहज होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए और सुखमय होना चाहिए, दुख का कोई काम नहीं है। अब वो कौन सा है दुख, कौन सा दुख है जी, वो अनंतानबंदी संबंधी मिथ्यात्व संबंधी वो दुख नहीं है, सुखमय परिणति ही अद्भुत परम समाधि है। अभी अपन ने ये पढ़ा ही था कि जो कुछ होना सहज भाव से वो तो होएगा, होता रहेगा, उसमें तो कोई रोक नहीं सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है, सब सहज भाव से होने पर कुछ करना शेष
और तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई माथे पर नहीं है, कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है, सहज जानना, सहज जानना, सहज देखना, सहज जानना ही समाधि का गहना है। एक तो पहला ये नियम समझ लो कि वो सहज होनी चाहिए और आनंदमय परिणति का नाम है। ये सब अनंत 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 आनंदी क्रोध मान माया लोग चले गया तो कोई सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। शांति और सुख में क्या अंतर है ये जानते हैं आप? इसे सुख और शांति दोनों बार बार लिखा, सुख सुखमय शांति में। तो शांति है चारित्र गुण की पर्याय और सुख है सुख गुण की पर्याय, समझे ना। अब इसको मैं सरलता से समझाऊं आपको, बोले मुझे मालूम है समय हो गया, अभी थोड़ा 5 मिनट बोलने दो हैं। आप खाना खाने थाली पर बैठे हैं और बहुत जोर की भूख लग रही है और आपके मन का पूरा खाना थाली में आ गया है, लेकिन अपनी सभ्य समाज में ऐसा है ना कि मेहमान घर वाले जब कहें कि जीवो तब जीवना शुरू करते हैं, क्योंकि सबको परस हो जाए, आपको परस दिया और आपने खाना शुरू कर दिया, पड़ोसी के थाली में माल ही नहीं आया, तो 10 आदमी बैठे हैं तो 10 की थाली में सब माल आ जाए, उसके बाद वो घर का मालिक कहेगा कि साहब जीवो, तो सब जीवते हैं। अब वो पीरियड है, तो उस आदमी को जो वहाँ बैठा है दुख भी हो रहा है, आकुलता में दुख हो रहा है ना, और अशांति नहीं है क्योंकि मालूम है कि माल है सामने, अभी ये बताएंगे 1-2 मिनट में, कहो खाओ तो खाने को मिलेगा और तृप्ति हो जाएगी। इतने में आकर किसी ने कह दिया कि आप साहब उठिए, आप यहाँ नहीं खा सकते हैं। क्या कह दो, कोई ऐसा समाचार आ गया कि पुत्रादि के मरने का, तो वो आकुलता के साथ अशांति भी हो जाएगी। अब आकुलता और अशांति का अंतर समझ में आया ना। वैसे शास्त्रीय भाषा में कसाय भाव को बोलते हैं अशांति, और आकुलता का जो दुख का वेदन है उसे बोलते हैं। तो एक अनाकुलता भी होना चाहिए और अशांति भी नहीं होना चाहिए, तो अनंतानवंदी संधि अशांति नहीं होनी चाहिए, सहज स्वीकृति है उसे, जो होना है वो ही हो रहा है, जो अनहोना कभी नहीं हुआ, अपना वो याद है भजन, अनहोनी कभी नहीं होसी काहे होत अधीरारे, अधीरता का निषेध, अनहोनी कभी होगी नहीं, ये पक्का जो भरोसा उनके अंदर में है, वो घबरा रहे फिर भी नहीं हो, वे भरोसा है, ये वो सम्यक दर्शन कायम है, वो श्रद्धा की परिणति है, वो समाधि है, वो समाधि भंग नहीं हुई, चौथे गुण स्थान वाले की समाधि ऐसी ही होगी। क्या नाम है, भूल जाता हूँ तेरा, भोपाल वाला क्या नाम है, हैं महेश, हाँ है ना, समझे ना, वो बिल्कुल समझ लेना अच्छी तरीके से। आकुलता और अशांति, अब हमको कहते हम तो बहुत अशांति हो देखी, गुरुदेव को भी हमने अशांति हो देखा है, तो होगी ना, वो तुम अनंतानंदी अशांति गई है, हैं वो तत्संबंधी तो होगी, आकुलता भी होगी, तो ये परिणति ये भेद हमको समझना पड़ेगा, तब ये समाधि हमारी समझ में आएगी, और पहले चौथे वाले की, पांचवें वाले की सब समझ में आएगा बराबर अनुकूलता से। अब हमें को लगे, हमें तो वो नहीं लगता, तुम्हें लगे नहीं, से क्या लेना देना है, मैं यदि समाधि में हूँ तो मुझे लगना चाहिए, तुम्हें लगती कि नहीं लगती, मुझे इससे क्या लेना देना। भरत चक्रवर्ती को शांति थी अभय जी, और दुनिया को नहीं लगती थी, दुनिया को लगती थी कैसा दौड़ा दौड़ा करता है, कितनी कितनी करती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, हैं अभी 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 ये नहीं सुना आपने को, ये कोई किसी बड़े आदमी से मुख से सुना मैंने कि इन्हें कितनी संस्थाओं का अध्यक्ष बनना है, अभी 3-4 के तो बन गए, क्यों बबलू है पता,
कितने का बनना है, तुम्हें कितने का बनना है, तुम्हें तो अभी एक के भी नहीं बने हो ना। अरे भी तुम इसमें ऐसा विकल्प करने लगे, यदि वो चक्रवर्ती होते, सहायक सम्यक दृष्टि होते तो भी अभी ये तीन संस्थाओं के बन गए, वो तीन के और बनने का भाव हो सकता था। हैं तुम इस परिणति को नहीं जान रहे हो क्या है? वो अनंतानुबंधी का काम नहीं है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का कार्य है। मैं जानबूझ करके तुम लोगों के हृदय में प्रश्न पैदा कर रहा हूँ कि तुम लोग मुझे परेशान करो। अपना ना नहीं, मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ। मुझे आएगा तो जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं दूंगा। भाव आएगा तो दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं दूंगा। मैं व्याकुल आकुल होने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता ज़रूर हूँ कि सब लोग इस प्रकरण में, इस तत्व ज्ञान में, समाधि वाले तत्व ज्ञान में गहराई से जाएं और उसका वास्तविक स्वरूप समझें और वास्तविक अपनी परिणति को सहज बनाएं। ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे मालूम है शायद मैं 10 मिनट ज़्यादा हो गया, लेकिन ख़त्म करता हूँ। लेकिन इस बात पर आप लोग बहुत गंभीरता से आत्मा के कल्याण के लिए विचार करें। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना चिंतन कर किया है मैंने, वो सब आप तक उड़ेल दूँ, जैसे आप वहाँ तक और उसके आगे भी उस चिंतन को, धारा को फलित पुष्पित कर सकें, बढ़ा सकें आगे। इस भाव से कहता हूँ, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, कोई भाव नहीं है। मैं तो अभी इसी उधेड़बुन में हूँ, है ना। अभी मेरे की तकलीफ क्या है कि अभी मैं इसे कहूँगा कि यहाँ से पढ़ना शुरू कर, तो मेरे मन का ऐसा लोभ है। मैंने बोलता हूँ रोजीना के दिन में 3 दफ़े तो मैं सुनता ही हूँ, क्योंकि मन में नहीं होता कि इसे बंद करने को कहूँ। करता रहे बच गए तुम लोग पीयूष, ये बन गई कैसेट वैसेट बन गई ना, तो मेरी कसाय उसमें पूरी होती रहती है। क्या तो आप लोगों को परेशान नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं शांति जी की लड़कियों को बुलाकर और फिर उनसे कहता था पढ़ो बेटा, और उसे फिर सुनता रहता था। फिर किसी को बुलाता था तो शांति जी से कहता हूँ कि वो कोई अच्छे गले के लड़के हो ना तो उनको मेरे पास भेजो। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके भक्त भोगी यहाँ बैठे हैं सब। शांति जी को बहुत परेशान करता था, इसको कह कोई अच्छे गले के लड़के हों तो मेरे पास भेजो। क्या है कि मैंने कुछ लिखा है नया, वो मुझे पढ़वाना। वो बैठ के मैं उसका आनंद लेता, अपने आनंद के लिए, प्रचन में भी मैं अपने आनंद के लिए करता। जानता हूँ मेरी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि अब मैं तो वो बाध्यता से पार हो गया हूँ। मतलब मेरी तो उम्र से ही लोग माफ़ कर देते हैं, सब माफ़ करने को तैयार हैं। हैं क्यों, अभी मैं कहूँ कि बबलू मैं कल प्रवचन नहीं करूँगा तो तुम क्या कहोगे? हाँ दादा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम सब इंतजाम कर लेंगे, पहले बता देना। पीयूष कहता दादा पहले बता देना, तुम अल्टरनेट इंतजाम करके रखें, है ना। इसलिए मेरी कोई अब नहीं है, हैं। लेकिन बेटा मैं ये भी बता दूँगा कि कल नहीं करूँगा तो ये भी बता दूँगा कि कल करूँगा और कल दो करूँगा। मुझे कोई चीज़ बहुत बताने का भाव आएगा ना, हैं। जैसा फिर हम तो सबको दे चुके, और फिर हम कैसे आपको दो दूसरे समय कैसे दे सकते हैं? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं कहेगा मेरे से। जिससे कहेंगे कि बेटा आज तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि आज दादा को दूसरा प्रवचन करने का भाव है, तो बहुत कोई मना करने वाला नहीं है, है ना। इस स्थिति में पहुँच गया हूँ ना मैं, इसलिए फिर मैं क्यों नहीं अपनी बिल्कुल शांत भाव से, सहज भाव से, और मैं अपनी हिसाब से ही चलूं, कहीं से रंच मात्र भी वो उद्वेलित नहीं हो करके। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ध्यान दिलाता हूँ, है ना,
अब मुझे तो मैं जहाँ निगाह डालता हूँ वही तुमको पढ़ के सुनाने का भाव आता है। अभी समय हो गया, फिर कल बात करेंगे। सोद स्वरूपी